सुप्रभात बच्चों, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था बुद्धिचंद की बुद्धि। अब हम करेंगे बच्चों उसके पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो देखिए कि पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन का ऋण चुका दिया, इससे बुद्धिचंद के बारे में क्या पता चलता है? इससे बुद्धिचंद की बुद्धि के बारे में पता चलता है। उत्तर नंबर एक, इससे क्या पता चलता है? बुद्धिचंद के बुद्धिचंद के बुद्धि के बारे में पता चलता है। इससे बुद्धिचंद की बुद्धिचंद की बुद्धि के बारे में पता चलता है। बुद्धि के बारे में बुद्धिचंद के बारे में के बारे में पता चलता है बारे में पता चलता है पता चलता है। अब आगे है, अदालत में लोगों को क्यों लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है? तो उत्तर नंबर दो, क्योंकि वो सभी चीजों को क्या बता रहा था कि मेरी है। क्या बता रहा था बच्चों? बुद्धिचंद क्योंकि उसने बुद्धिचंद की सारी वस्तुओं को बुद्धिचंद की बुद्धि बुद्धिचंद एक बुद्धिचंद इसकी कि बुद्धिचंद की बुद्धि के बारे में बुद्धिचंद की बुद्धिमानी के बारे बुद्धिमान बुद्धिचंद की बुद्धिमानी के बारे में पता चलता है। बुद्धिचंद की बुद्धिमानी के बारे में बुद्धिमानी के बारे में बुद्धिचंद की बुद्धिमान बारे में पता चलता है बारे में पता चलता है चलता है कि संकट के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि संकट के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अदालत में लोगों को क्यों लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है? क्योंकि लक्ष्मी नंदन की सारी वस्तुओं को कौन कौन सी थी बच्चों? जूते, कपड़े और पगड़ी, घोड़ा, उन सबको उसने क्या कहा था? सब मेरे हैं कहा। इसलिए लोगों को लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है। अब देखिए कौन लोग साहूकार कहलाते हैं जो ऋण देते हैं, जो लोग ऋण देते हैं
जो लोग ऋण देते हैं उन्हें साहूकार कहते हैं, उन्हें साहूकार साहूकार कहते हैं, जो ऋण देते हैं उन्हें साहूकार कहते हैं। आगे है, कैसे पता चलता है कि लक्ष्मी नंदन लालची था? तो उत्तर नंबर चार, कैसे पता लगता है कि लक्ष्मी नंदन लालची थे? क्योंकि लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद का मकान हड़पना चाहता था। लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद का मकान हड़पना चाहता था। हड़पना चाहता था। आगे है, न्यायाधीश कौन होता है जो न्याय करता है? न्यायाधीश कहते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारी जो मौखिक प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे है कि लक्ष्मी बुद्धिचंद ने अदालत जाने में क्या परेशानी बताई? तो उत्तर नंबर ए, क्या परेशानी बताई थी बच्चों उसने? कि उसके पास जूते कपड़े और घोड़े नहीं है। उत्तर नंबर ए बुद्धिचंद ने परेशानी बताई कि उसके पास कपड़े जूते पगड़ी और घोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे है क्वेश्चन नंबर थ्री कि बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन को सबक सिखाने के लिए अदालत में क्या कहा? कि जो बुद्धिचंद है उसे लक्ष्मी चंद्र को सबक सिखाने के लिए क्या कहा? तो उत्तर नंबर दो, यहाँ लिखेंगे हम उत्तर नंबर दो। तो क्या कहा था बच्चों? उत्तर नंबर दो बुद्धिचंद ने कहा कि श्रीमान सेठ लक्ष्मी नंदन कहते हैं कि श्रीमान श्रीमान
सेठ लक्ष्मी नंदन कहते हैं, सेठ लक्ष्मी नंदन कहते हैं कि मेरा मकान और सारी वस्तुएं उनकी है। क्या कहा था अदालत में, क्या किया कि सारा मकान और सारी वस्तुएं उनकी है और वह मुझसे झगड़ते रहते हैं, और वे मुझसे इसी बात पर क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और मुझे जबरन अदालत में लेकर आए। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी पूरा होता है। अब आगे देखिए, बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन को ऋण क्यों लिया था, तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर नंबर 3, अपनी बेटी के विवाह के लिए। क्या किया था बच्चों उसने, अपनी बिटिया के विवाह के लिए उत्तर नंबर तीन उसने अपनी बिटिया के विवाह के लिए ऋण लिया था। क्या लिया था बच्चों, ऋण मतलब कर्ज लिया था। अब हम आगे चलते हैं। जब लक्ष्मी नंदन ने अपना धन वापस मांगा तो बुद्धिचंद ने उनको क्या कहा था बच्चों, कि मैं तुम्हें अपना जो ऋण है वो धीरे धीरे चुका दूंगा। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वाला भी आपका होमवर्क में आता है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। ये दोनों प्रश्न आपको अपने आप करने हैं कि लक्ष्मी नंदन के मन में क्या लालच था, लक्ष्मी नंदन के मन में बुद्धिचंद के मकान को हड़पने का लालच था। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसने किससे कहा, तो देखिए बच्चों किसने किससे कहा कि और ऋण के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। ये किसने कहा था, ये लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद से कहा था। तो हम क्या लिखेंगे, लक्ष्मी नंदन ने किससे कहा था बच्चों बुद्धिचंद से। अब आगे है, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ये किसने कहा था, ये बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से कहा था। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से। ठीक है बच्चों, अब आगे है कि इसे ही सबक चुनकर एक स्थान पर गए। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया।
आगे देश ने उसे झगड़े का कारण पूछा, तो किसने झगड़े का कारण पूछा? न्यायाधीश ने, न्यायाधीश ने, न्यायाधीश ने। देश नंबर तीन, लक्ष्मीनंदन एक देश था। लक्ष्मीनंदन एक कौन था? साहूकार। लक्ष्मीनंदन एक साहूकार था, साहूकार, साहूकार, साहूकार था। लक्ष्मीनंदन क्या था? एक साहूकार था। आगे नंबर चार, देश ने अपनी बिटिया के विवाह के लिए ऋण लिया था, तो किसने ऋण लिया था? बुद्धिचंद ने, बुद्धिचंद ने अपनी बिटिया के लिए, बिटिया मतलब बेटी के लिए क्या लिया था बच्चों? ऋण को उधार लिया था, कुछ पैसे उधार लिए थे। नंबर पांच, लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद से डेट चलने के लिए कहा, कहां चलने के लिए कहा? अदालत में, कहां चलने के लिए कहा? अदालत में। तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्क है रिकिस्तान का पूरा होता है। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है, अब आके व्याकरण एवं बोध। तो बच्चों देखिए, व्याकरण एवं भाषा बोध, तो ये बोध ही जी है। विलोम शब्द लिखिए, मतलब उसका उल्टा कीजिए। क्रोध, क्रोध का क्या होता है? क्रोध शांत, क्रोध का शांत, क्रोध क्षमा, सॉरी शांत नहीं हो, क्रोध में गुस्सा करना, और क्रोध का क्षमा होता है, क्रोध क्षमा। क्रोध क्षमा, उत्तर प्रसन्न, निर्धन अमीर, क्रोध का अक्रोध भी हम लिख सकते हैं, क्रोध का अक्रोध। अब आगे देखिए, हंसना रोना, ये सब आपका होमवर्क है। उपस्थित अनुपस्थित, ईमानदार बेईमान, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। शब्द समूह के लिए शब्द सुनकर लिखिए, तो जो शब्द समूह है इसके लिए हमें शब्द को सुनकर लिखना है। उससे पहले है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला क्या है? पहला है विवाह, तो क्या लिखेंगे? बुद्धिचंद ने, उत्तर विवाह का लिखेंगे बुद्धिचंद ने, बुद्धिचंद ने अपनी बिटिया के विवाह के लिए, अपनी बिटिया की, अपनी बिटिया के विवाह के लिए, विवाह के लिए, के लिए ऋण लिया, ऋण लिया। ठीक है बच्चों, दूसरा है धीरज, धीरज का होगा कि सेठ जी थोड़ा धीरज रखिए, तो धीरज का होगा सेठ जी, सेठ जी थोड़ा, सेठ जी थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा है ये पूरा होता है, धीरज रखिए। और ये न्यायाधीश और विफल, ये आपका होमवर्क है, ये आपका बच्चों क्या है? होमवर्क है। अब आगे देखिए, एक शब्द के लिए शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। लोगों को ऋण देने वाला क्या होता है? साहूकार। लोगों को ऋण देने वाला साहूकार। षड्यंत्र करने वाला, षड्यंत्र रचने वाला, देखिए लोगों को ऋण देने वाला साहूकार, साहूकार। षड्यंत्र रचने वाला षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी। ठीक है, न्याय करने वाला न्यायाधीश, न्यायाधीश। षड्यंत्रकारी, न्याय करने वाला न्यायाधीश। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये जो होमवर्क है ये कंप्लीट करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा है तो बच्चों इस तरीके से जो हमने ये जो भाषा व्याकरण है इसको हमने क्या है तो देखिए गुस्सा गुस्सा का यहाँ पे ये भी बच्चों आपका होमवर्क है। क्रोध का, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, शांत भी होता है। क्रोध का अक्रोध कर दीजिएगा, क्रोध अक्रोध अक्रोध। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो लेसन है ये पूरा होता है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको अपने गृह कार्य में कीजिएगा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में बिल्कुल सफाई के साथ कीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।